और अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर जो इस विषय से संबंधित बनते हैं और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जिनमें फर्स्ट जो बनता है वह व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल क्या है। सेकंड है डिस्कस द इकोनॉमिक बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अर्थात राजनीतिक दलों के गठन के आर्थिक आधार पर चर्चा कीजिए। थर्ड क्वेश्चन बनता है डिस्कस द रिलीजियस आर कॉमनल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अर्थात राजनीतिक दलों का जो धार्मिक और सांप्रदायिक आधार है उस पर चर्चा कीजिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो फर्स्ट बनता है डिस्कस द वेरियस बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अर्थात राजनीतिक दलों के विभिन्न आधारों पर चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अर्थात राजनीतिक दलों के गुण और अवगुणों का वर्णन कीजिए या उन पर चर्चा कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी, डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, अर्थात राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है और एक लोकतांत्रिक राज्य, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के अंदर राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है उस पर चर्चा कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस विषय से संबंधित आपकी जानकारी बढ़ाने में सहायक होंगे और परीक्षा की दृष्टि से भी लाभप्रद होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।